हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर प्लांट गुरु चैनल। आई एम मृगेंद्र प्रताप सिंह। तो आज शुरू करते हैं मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। इससे पहले हमने देखा था नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। तो इससे पहले का जो वीडियो है जो आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लें। तो चलिए हम देखते हैं। मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में दो प्रकार के कूलिंग टावर होते हैं। पहला होता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर और दूसरा आता है फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर कैसे काम करता है और यह फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर कैसे काम करता है, आज हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, सब प्रॉब्लम आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन भी कई प्रकार के होते हैं। हम एक एनिमेशन से समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक एनिमेशन लिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। इसके सबसे टॉप सरफेस में लगा हुआ फाट पार्ट्स होता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। यह इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन ही ड्राफ्ट क्रिएट करता है। यह हीट एक्सचेंज सरफेस से एटमॉस्फेयर की कूल एयर को सक करता है और एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। और इसमें एक होता है हॉट वाटर इनलेट सिस्टम, जहाँ से हॉट वाटर आता है कूलिंग के लिए। और ये फिन्स बनी हुई हैं, फिन्स से हॉट वाटर की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एयर के द्वारा और एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, इसकी एफिशिएंसी और बढ़ाने के लिए इसमें हीट एक्सचेंज सरफेस से पहले ही एयर हीट एक्सचेंजर लगाया जाता है। एयर को और एटमॉस्फेयर एयर को और कूल किया जाता है। उसके लिए क्या लगाया जाता है, एक हीट एक्सचेंजर लगाए जाते हैं जिनमें वाटर का स्प्रे होता है। ये वाटर का स्प्रे होने से एटमॉस्फेयर की हीट और एटमॉस्फेयर की जो एयर होती है वो और कूल हो जाती है और अपने मेन हीट एक्सचेंजर में आती है, जो और सडनली हीट को ड्रॉप कर देती हैं, कोल्ड वाटर को हॉट वाटर को कोल्ड वाटर में चेंज कर देती हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहले एयर का टेम्परेचर ड्रॉप किया गया, फिर उस एयर के माध्यम से हमने 37 डिग्री सेल्सियस के वाटर को 30 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट किया। ये तो हो गई इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर की बात। अब हम देखते हैं फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। फ्रेंड्स, फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर भी इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर के जैसे ही काम करता है, सिर्फ इसमें फैन की पोजीशन अलग होती है। उसमें फैन की पोजीशन टॉप सरफेस में थी और इसमें फैन की पोजीशन बॉटम सरफेस में रहेगी। यह एटमॉस्फेरिक एयर को सक कर हीट एक्सचेंजर सरफेस में भेजता है। जैसे कि आप एनिमेशन में देख पा रहे होंगे, पहले एटमॉस्फेरिक एयर को सक किया जा रहा है और फिर उसको हीट एक्सचेंजर सरफेस में भेजा जा रहा है। फ्रेंड्स, अब यह एनिमेशन गौर से देखिए, आपको पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस डक्ट में कंटिन्यू स्टीम फ्लो हो रही है। यह स्टीम डक्ट से होते हुए पतले पतले आयरन की ट्यूब्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे, पतले पतले आयरन की ट्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यह स्टीम फिर एयर के कॉन्टेक्ट में आती है और एयर से इसकी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। और इससे और अधिक हीट एब्जॉर्ब करने के लिए हम इन ट्यूब्स में, पतले पतले आयरन की ट्यूब्स में फिन्स नुमा फिन्स बनाते हैं। ये जाली नुमा जो दिख रहे होंगे आपको, ये जाली नुमा फिन्स हैं। ये और अधिक से अधिक हीट का एरिया बढ़ाती हैं और अधिक से अधिक हीट एयर के संपर्क में आती है और वह एयर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, जिससे हमारा जो स्टीम है वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे अभी आप आगे देखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी की पूरी स्टीम वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और प्लांट से रिलेटेड और किसी टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रॉपर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।